हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AI वर्क में। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नए मॉड्यूल को लेकर। आप इस मॉड्यूल को देख सकते हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस मॉड्यूल का। तो आप इस मॉड्यूल को देख सकते हैं, इसमें जो मॉड्यूल है ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है विद IR सेंसर। इसमें आप रिमोट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसमें माइक भी यूज़ करते हैं। ये जो माइक दिया गया है इसमें इको माइक दिया गया है और ये ऑक्स का इनपुट दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे DC 5 वोल्ट इन करके आप अपनी बैटरी भी इसी मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑन ऑफ़ का स्विच भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ़ का स्विच है। आप इसको इसको यहीं से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं बड़ी ही इजीली तरीके से। और ये अपना वॉल्यूम माइनस और फॉरवर्ड के लिए है, बैकवर्ड के लिए है, प्लस प्ले पॉज के लिए बटन दिया गया है, वॉल्यूम प्लस और नेक्स्ट के लिए बटन दिया गया है, और ये मोड का बटन है यहाँ पे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे USB दिया गया है, यहाँ पे USB पोर्ट जिससे हम अपना पेन ड्राइव वगैरह से गाने वगैरह प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें TF मॉड्यूल भी दिया गया है, यहाँ पे अपना डायरेक्ट मेमोरी कार्ड चला के हम इसको गाने प्ले कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे IR सेंसर दिया गया है जो हम अपना रिमोट से इसको प्ले पॉज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसको रिमोट से भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो माइक दिया गया है ये एक्चुअल में कैराओके माइक दिया गया है। ये किसी भी मोड में हो इसका माइक ऑन रहता है, और ये किसी भी मोड में हो, और इको मोड में जो इसका माइक जो है वो इको मोड है। तो चलिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। एक बार इसको प्ले करते हैं हम, और इसके पीछे देखिए यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, ये देखिए ये जो मॉड्यूल रेड कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें बैटरी कनेक्ट करनी है। इसको आप 3.7 से लेके 5 वोल्ट तक करंट दे सकते हैं। ये जो दो स्लॉट दिए गए हैं यहाँ पे, अपने स्पीकर जो हैं अपने 5 वाट के स्पीकर हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट अब हम इनसे 5 वाट के नहीं, हम मेरे पास जो स्पीकर्स हैं वो 10 वाट के हैं, 4 ओम्स के 10 वाट के स्पीकर हैं। आप ये दे सकते हैं बूफर स्पीकर हैं, हम ये वाले स्पीकर इससे कनेक्ट करके देखेंगे ये चलते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कनेक्शन, इसको पावर देते हैं, हम इस मॉड्यूल को पावर देते हैं और देखते हैं कि ये चलते हैं या नहीं। तो पावर देने के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 2000 mAh की बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी 2000 mAh की है। इसमें मैंने पावर जो कनेक्टर केबल है वो कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ से मैंने इसको पावर दे दी। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको पावर दे दी है, इसमें बड़ी ही इजीली तरीके से इसमें पावर आ चुकी है। इसमें हम कनेक्ट करते हैं अपना स्पीकर, स्पीकर वन हमारा ये है, स्पीकर वन, और स्पीकर टू हमारा ये है। तो स्पीकर वन और टू मैंने कनेक्ट कर दिए हैं बड़ी इजीली तरीके से, ये देखिए। अब इसको हम ऑन करते हैं, और ये हमारा लिथियम आयन बैटरी है, इसको हम ऑन करके देखते हैं कि चलता है या नहीं। तो इसको पावर ऑन करने के लिए हमें यहाँ से बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी आवाज़ में ब्लूटूथ मोड इसने बोला है। तो चलिए मैं इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने फ़ोन, दूसरा फ़ोन ले लिया है अपना, और इसमें मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है, और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे फ़ोन में। एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग चल रहा है ये। तो ये देखिए TSBT के नाम से, 003 के नाम से ये आ चुका है। हम इसको पेयर कर लेते हैं, तो ये हमने पेयर भी कर लिया है इसका, आप देख सकते हैं पेयर हो चुका है बड़ी इजीली तरीके से, पेयर की आवाज़ आ चुकी है, आप देख सकते हैं पेयर हो चुका है। अब इसमें हम सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। सॉन्ग प्ले करने के लिए मैं कोई NCS का म्यूज़िक चलाता हूँ इसमें, तो एक बार मैं इसमें NCS लगा लेता हूँ। ये देखिए मैं इसमें NCS म्यूज़िक लगा रहा हूँ, और ये देखिए मैं इसमें NCS म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बड़ी ही शानदार आवाज़ इसकी। और इसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये देखिए जो बीप दे रहा है, जो जब ये बीप देगा तो उसका मतलब ये है कि हमारी आवाज़ जो है फुल हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी आवाज़ ये फुल हो चुकी है, और देखिए कितना ही बढ़िया क्लियरिटी की सराउंड साउंड आवाज़ आ रही है इसके अंदर, आप अब देख सकते हैं। यहाँ से आवाज़ मैंने फुल कर रखी है फ़ोन से, और बड़ी शानदार तरीके से हमारे दोनों स्पीकर चल रहे हैं, देख सकते हैं। सो गया
देख सकते हैं आप, बड़े ही आवाज़ की क्लियरिटी इसकी वगैरह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है इसमें। और ये हम अपने रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसकी आवाज़ को कम करूँगा, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। आयर सेंसर इसमें दिया हुआ है, ये देखिए। हम प्ले पॉज भी यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए बटन से हम प्ले पॉज कर सकते हैं, ये देखिए। ये म्यूट का बटन दे रखा है रिमोट में, म्यूट भी कर सकते हैं हम इसको ईजीली तरीके से। तो रिमोट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको रिमोट से बड़ी इजीली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सॉन्ग हमने किया, तो नेक्स्ट सॉन्ग हमारा आ गया, ये देखिए। तो इससे हम प्ले पॉज वगैरह, नेक्स्ट वगैरह हम रिमोट से भी इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। साथ ही साथ इसमें ऑक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे TF कार्ड से भी चला सकते हैं, USB से भी चला सकते हैं। और इसका माइक मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार। एक्चुअल में इसका माइक जो है ये डायनामिक माइक सपोर्ट करता है, और मेरे पास कोई डायनामिक माइक सपोर्ट है नहीं, डायनामिक माइक नहीं है। तो फिर मैं इसको आपको फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ। मेरे पास जो लेवलियर माइक है, ये वाला जो माइक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ एक बार, शायद ये चल जाए इससे। बट एक्चुअल में चलिए ट्राई करके देखते हैं एक बार। इसके लिए हमें एक कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टर जो है लेवलियर माइक के साथ आता है हमारे, ये कनेक्टर हम इसमें डालते हैं ऐसे करके, ठीक है। और माइक मैं अपने कैमरे से निकालना पड़ेगा मुझे ये वाला माइक जो है, एक बार निकालता हूँ। थोड़ा सा आवाज़ का इशू रहेगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और ये माइक भी मेरा उसी फ़ोन में कनेक्ट है। तो चेक कराने के लिए मुझे अपने कैमरे से माइक निकालना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने चेक किया दोस्तों इसमें, बट एक्चुअल में क्या है, इसमें हमारा जो लेवलियर माइक है वो काम नहीं कर रहा है, इसमें डायनामिक माइक काम करेगा। ये देख सकते हैं, इसमें इसको निकालूंगा तो आप देखेंगे इको का साउंड इसमें आएगा, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ सुनेंगे, ये देखिए यहाँ पे, देखिए मैं इसको माइक को निकालूंगा तो देखिए इको का जो इफेक्ट आ रहा है वो एक्चुअल में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये माइक जो सपोर्ट करता है वो डायनामिक माइक सपोर्ट करता है, हमारा लेवलियर माइक जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डायनामिक माइक लगाना पड़ेगा, और उससे हम अपने कैराओके सॉन्ग वगैरह प्ले करके सिंग सॉन्ग कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 5V DC का जैक दिया गया है, इसमें आप अपना डायरेक्ट से मोबाइल चार्जर लगा के आप अपनी बैटरी भी लिथियम आयन बैटरी से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था, छोटे स्पीकर चला के हमने देखे थे इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक बड़ा स्पीकर है, मैं उसको चला के देखता हूँ, इसको निकाल देता हूँ मैं एक साइड से, ये मैं निकाल देता हूँ। और मेरे पास एक बड़ा स्पीकर है, आप देख सकते हैं 40W का स्पीकर है। तो हम ये ट्राई करेंगे क्या यह चलेगा, ये वाला स्पीकर इस मॉड्यूल के साथ चलेगा। तो इसमें मैंने कनेक्टर कनेक्ट कर रखा है एक, इसकी वायर लगा रखे हैं, और ये मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया, और मैं इसको ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ मोड, आप देख सकते हैं बड़ी ही इजीली तरीके से इसने पेयर कर लिया है, और मैं अपने इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं छोटे से ब्लूटूथ पैनल के अंदर ये 40W का स्पीकर हमारा रन कर रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ब्लूटूथ के अंदर 5W 6W के अंदर हमारा ये रन कर रहा है, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ के अंदर हमारा ये रन कर रहा है बहुत इजीली। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही अच्छी तरीके से हमारा ये मॉड्यूल जो है, छोटा सा मॉड्यूल है, और देख सकते हैं आपने 10-10 वाट के मैंने 2 स्पीकर लगा रखे हैं, 20W, ये देखिए,
बहुत ही ज़बरदस्त ये मॉड्यूल काम कर रहा है हमारा। चलिए मैं आपको सॉन्ग चेंज करके दिखा देता हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका बेस क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखिए इसकी बेस क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। हमने इसमें दो सराउंड साउंड स्पीकर लगा रखे हैं 10-10 वॉट के। तो देखा आपने हमारा ये छोटा सा ब्लूटूथ कितने काम का ब्लूटूथ है, और देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वॉइस क्वालिटी वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने आपको इससे 10-10 वॉट के मैंने आपको इससे दो स्पीकर चला के दिखाए, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक 40 वॉट का स्पीकर भी आपको लगा के दिखाया। तो आप इसकी क्वालिटी खुद देख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है कहीं से भी, बिल्कुल भी 1% भी हीट नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये ब्लूटूथ हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई भाई इसको लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, और अपना कोई भी DIY प्रोजेक्ट वगैरह इसके मदद से बहुत ही इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।